केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की दिल्ली में। आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी। उस टाइम का मैं डेटा आउट निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6,300 हैं। मार्च में, 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6,600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6,300 हैं, उस टाइम 6,600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब उस इतने ही जब एक्टिव केसेस थे दिल्ली में 1,150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले, आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी, आज कभी एक हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी एक हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो करोना है वो इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस, आज डेली केसेस लगभग 2,700, कल डेली केसेस थे, कल 2,700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2,700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1,700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1,700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज एक या जीरो पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है।